हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे वंदे तद्गुण लब्धे। जैन शासन का यह अद्भुत कर्म सिद्धांत, इसकी चर्चा हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। यदि यह जैन शासन का कर्म सिद्धांत हमारे दिलो दिमाग में समझ में आ जाए तो सच में बहुत तरह की टेंशन, बहुत तरह की आकुलता, बहुत तरह की विकृतियाँ, हमारी सोच की विकृति, हमारे चिंतन की विकृति, ये सब कुछ धूल धूमिल हो जाए, मिट जाए। हमें भरोसा नहीं है कर्म सिद्धांत के ऊपर, हमें भरोसा नहीं है जैन आगमों के ऊपर, हमें भरोसा नहीं है भगवान की वाणी पर। अब जिसे भगवान पर भरोसा नहीं है, भगवान की वाणी पर भरोसा नहीं है, उसे दुखी होने से कौन बचा सकता है। काफ़ी चर्चाएं हुई घातिया और अघातिया दो तरह के कर्म बतला करके, उन कर्मों के संबंध में हमने थोड़ा थोड़ा सा परिचय भी आपको दिया। ये कर्म हैं, ये कर्मों के नाम हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इन कर्मों के संदर्भ में लिखा बताया ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय वेदनी आयु नाम और गोत्र, ये कर्म किस प्रकार से हमारे साथ में बंधते हैं। मैं बहुत संक्षेप में उस पूरी बात को थोड़ा थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ता हूँ आपके सामने। ज्ञानावरणी नाम कर्म का उदय पर्दे के समान कहा गया। दर्शनावरणी कर्म के उदय को द्वारपाल की उपमा देकर के बतलाया गया। मोहनी कर्म के उदय के संदर्भ में आचार्यों ने शराबी का दृष्टांत दिया। अंतराय कर्म के लिए खजांची का एग्जाम्पल देकर के बात की गई। वेदनी कर्म का उदय शहद लिपटी हुई तलवार की बात कही गई। आयु कर्म के लिए लकड़ी का यंत्र बताया गया। नाम कर्म के लिए चित्रकार की उपमा दी गई और गोत्र कर्म के लिए कुंभकार के समान बताया गया। आखिर ये सब कर्म बंधते क्यों हैं, आखिर इन सब कर्मों के बंधन के कारण क्या हैं, ये प्रश्न एक बहुत अहम प्रश्न है जो हमारे दिलो दिमाग में उठता है। कौन बांधता है, कौन करता है हिसाब किताब, कब करता है, क्या मृत्यु के बाद में ऊपर जाने पर हिसाब किताब होता है, क्या परमात्मा कोई ऊपर बैठे हुए हिसाब किताब करते हैं, वहाँ जाकर के लेखा जोखा होता है, हिसाब किताब होता है, लेन देन होता है, पूछा जाता है, बताया जाता है, ये परिवर्तन किए जाते हैं। सोचिए विचारिए जरा, कौन कर रहा है, इन कर्मों को कौन बांधता है, क्या परमात्मा कर्म के पुलंदे हैं, क्या परमात्मा के पास में कर्मों का ढेर पड़ा हुआ है, जो आता है उसे कर्म देते रहते हैं, क्या ऐसा माना जाए। नहीं भाई, कर्म नहीं करते कौन, परमात्मा। हमारे भावों से कर्म बंधते हैं। कल हमने जो आपके बीच में चर्चा की थी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के बंधन के कारणों के संदर्भ में, आपकी स्क्रीन पर वे सारण कारण लिखे हुए हैं। मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आज भी मुझे बहुत सारी बातें करनी हैं आपके बीच में। क्यों बंध गया ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, क्या किया हमने ऐसा कि अपने ज्ञान के ऊपर आवरण डाल लिया, हमने ऐसा क्या कर लिया कि हम ही बंधन में पड़ गए, दूसरों को अज्ञानी कहकर के पुकारा, अज्ञानियों का सम्मान नहीं किया, अज्ञानियों की विनय नहीं की, ज्ञान की आराधना नहीं की, ज्ञान की विराधना की, ज्ञान के साधनों की विराधना की,
जहाँ जहाँ ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ जहाँ साधना होती हुई दिखाई देती है, जहाँ जहाँ जो जो कारण आराधना के होते हुए दिखाई देते हैं, हमने उन कारणों की विराधना, क्या होगा? ज्ञानावरणी कर्म बंधेगा। ऐसा ज्ञानावरणी कर्म, देखो तत्व की बात सुहाती नहीं है, जानते हुए भी बात को छिपा लेते हैं, दूसरे आगे नहीं बढ़ जाएं, बताना मत, बता मत देना, वो मेरे से ज़्यादा पैसे वाला हो जाएगा, वो मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे उसके, वो मेरे से आगे निकल जाएगा, लोग उसका सम्मान करने लगेंगे। किससे बात सीखी है, किससे बात सुनी है, उसका नाम छिपा लेता है। भाई साहब क्या कहें आपको, जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, आपने कोई उदाहरण सुनाया, आपने कोई कहानी सुनाई, आपने कोई प्रसंग सुनाया, और किसी व्यक्ति ने पूछा आपने किससे सीखा, नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो मेरा ही है, अरे वाह मेरा ही है। उपकार मानो तीर्थंकरों का, उपकार मानो केवलियों का, उपकार मानो मुनिराजों का, वीतरागी संतों का, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं उनका उपकार मानो। भाई साहब अपने गुरुओं का उपकार मानो, जिन गुरु से सीखा है उन गुरु का नाम मत छिपाओ कभी, जिनसे सीखा है, जिनसे सुना है, जिनसे समझा है, उनका नाम छिपाओ मत। ये मना कर रहे हैं यहाँ, ज्ञान को अज्ञान कह करके मत पुकारो, ये ज्ञानावरणी कर्म के, दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारण है। जब आप ज्ञान में बाधा डालते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म बंधता है, जब आप किसी के दर्शन में बाधा डालते हैं तो दर्शनावरणी नाम का कर्म बंधता है। इसके बाद में एक कर्म कहा था आपको, मोहनीय, ये थोड़ा सा खतरनाक है, लास्ट में कल मैंने इसकी चर्चा की थी आपके बीच में, मोहनीय खतरनाक कर्म है, बांधता है, और सबसे ज़्यादा बंधन इस मोहनी का दिखाई देता है। इस जीव के चतुर्गति में रुलने का यदि कोई मूल कारण दिखाई देता है तो वो मोहनी नाम का कर्म है। बंधा क्यों है, मैं नहीं कहता हूँ, उमास्वामी आचार्य को आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। इस बंधन के कारण बतलाते हुए उमास्वामी आचार्य तत्वार सूत्र छठा अध्याय सूत्र नंबर 13 है, केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्ण वादो दर्शन मोहस्य, केवली श्रुत संग धर्म देव और इनका अवर्णवाद, इनका अपमान, हमें पता नहीं है कहाँ अपमान कर रहे हैं, हमें पता नहीं है केवली का अवर्णवाद क्या होता है, हमें पता नहीं है श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद क्या होता है, इनका अपमान क्या चीज़ है। हम विराधना कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की, हम भगवान महावीर स्वामी को तो मानते हैं लेकिन महावीर स्वामी की नहीं मानते। को और की का फर्क है भाइयों, को और की का फर्क है। मैं बड़ी बड़ी सभाओं में जब लोगों से हाथ खड़े करवाता हूं और पूछता हूं लोगों से, बताओ आप भगवान महावीर स्वामी को मानते हो या नहीं, कौन कौन भगवान महावीर स्वामी को मानता है, और तुरंत हाथ खड़े हो जाते हैं, हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम मानते हैं, सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, हम महावीर स्वामी को मानते हैं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की कौन कौन मानता है, अब हाथ ऐसे होने लग जाते हैं उनकी कौन कौन मानता है बताओ, किसका नाम है अवर्णवाद? ये हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, तुम इन्हें आशीर्वाद देने वाला मानते हो, ये उपकार नहीं कर रहे हैं तुम इन्हें उपकारी मानते हो, ये भला नहीं करते हैं आप इन्हें भला करने वाला मानते हो, क्या समझ में आ रही है बात? ये भले भला करते नहीं है और आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये हमारा भला करने वाले हैं, ऐसा लगता है, कितनी बड़ी गलत फहमी में हैं हम। कुछ प्रश्न लोगों के जब हमने इस तरह की बातें कही तो हमारे सामने आए, किस तरह के प्रश्न कि साहब मान लिया कि इससे नहीं होता, मान लिया कि भगवान नहीं करते, लेकिन यदि भगवान को करता धरता थोड़ा सा मान लेते हैं तो एक आशा बनी रहती है, एक विश्वास बना रहता है, एक उम्मीद बनी रहती है हमारे दिलो दिमाग में, कोई बात नहीं विधान करने से अनुष्ठान करने से कुछ नहीं होगा, हमने मान लिया समझ लिया, लेकिन एक विश्वास तो बना हुआ है कि शायद विधान और अनुष्ठान किया तो तबीयत ठीक हो जाएगी, क्या शायद भगवान को जाकर के हमने प्रक्षाल किया, शायद हमने जल की धारा शांति धारा, शायद हमने उनके सर पर यदि किसी तरह का प्रक्षाल पूजन भक्ति आराधना विधान अनुष्ठान कोई दान दिया तो कम से कम इतना विश्वास तो है कि इससे कुछ भला हो जाएगा, क्या बोलो? ऐसा ऐसा लगता है हमारे को ऐसा हो जाएगा, और फिर विश्वास तो बड़ी चीज है भाई साहब, और विश्वास है भगवान का अस्तित्व भी तो विश्वास से है, ऐसा कहते हैं हमारे साथी लोग, क्या भगवान भी तो आस्था से टिके हुए हैं भाई साहब, आस्था तो बनी रहती है, लेकिन सच में मैं आपसे कहना चाहता हूं
थोड़ा गंभीरता से सोचना। विश्वास किसका नाम है? सच्ची बात का नाम विश्वास है कि गलत श्रद्धान का नाम विश्वास है? कौन सी बात का नाम विश्वास है? हम किसे विश्वास समझे? हम क्या समझें कि यह सच्चा विश्वास है? क्या धोखे में रखना इसका नाम विश्वास है? क्या धोखे में रह जाना इसका नाम विश्वास है? क्या गलत मान्यताओं को अपने हृदय में पाले रख करके हम ये कहें कि विश्वास से थोड़ी सी शांति मिलती है, क्या ये उचित है? बोलो भरत भाई, सुरेश जी, भाई साहब, रफड़िया जी, बोलो। अभी आपके यहां हम आए और आपके यहां 10 दिन रुके, पर्व के दिनों में आपके घर पर रुके, और घर पर रुकने के बाद में हमें विश्वास है कि हम जब वापस लौट करके जयपुर आएंगे तो आप हमारे को गिफ्ट में मर्सिडीज देंगे। विश्वास है हमारे को? हमें विश्वास है इस बात का कि जब हमारा ये 10 लक्षण पर्व पूरा होगा तो बड़जात्या जी विद्वानों को एक एक मर्सिडीज गिफ्ट देने वाले हैं? विश्वास रखो। देखो भैया, विश्वास रखो, मिलेगी चाहे नहीं मिलेगी वो अलग मैटर है, लेकिन आपके इस विश्वास से उम्मीद तो बनी रहती है, दृढ़ता तो बनी रहती है। रखो विश्वास, रखो, रख लें विश्वास। क्या होगा इस विश्वास का? क्या होगा इस दृढ़ता का? क्या होगा इस श्रद्धा का? ये श्रद्धा किस काम की है? क्या ये झूठी श्रद्धा नहीं है? भगवान भला करेंगे, क्या ये श्रद्धा झूठी श्रद्धा नहीं है? क्या ये अंधश्रद्धा नहीं है? क्या ये गलत विश्वास नहीं है? क्या ये गलत फहमी नहीं है? गलत फहमी तो बुरी ही होती है भाई साहब। मैं आपसे कहता हूं, कहां कहां विश्वास रखेंगे आप? विश्वास, सत्यता में विश्वास होना चाहिए। अरे जहां तक विश्वास का सवाल है, हम ये कहते हैं कर्मों पर विश्वास रखिए। हम जहां श्रद्धा की बात करते हैं, हम आपसे कहते हैं आप श्रद्धा रखिए, आप विश्वास रखिए, आप दृढ़ता रखिए। हमें विश्वास है पूरा, हमें श्रद्धा है पूरी। किसके ऊपर? भगवान की वाणी के ऊपर 100% श्रद्धा है कि भगवान आपने बतलाया है हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल मिलता है। हमें भरोसा है इस बात के ऊपर, विश्वास है हमारे को। ये विश्वास काम का है। डायमंड के शोरूम पर जाए, ज्वेलरी के शोरूम पर जाए, और वहां जाकर ज्वेलरी के शोरूम पर जाकर के कोई व्यक्ति ये कहे, भाऊजी 1 किलो लौकी दे दो, 1/2 किलो दूध दे दो, वो कहेगा भैया यहाँ नहीं मिलता, तो दूसरी जगह जा। नहीं नहीं, क्या बात करते हो, इतना बड़ा शोरूम खोल करके बैठे हो, इतनी सी चीज आपके यहां नहीं मिलती, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, आप तो दे दो, प्लीज 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 प्लीज, आपकी जय जयकार करूंगा, आपके चरण छूंगा, दे दो ना, क्या बिगड़ता है आपका? 1 किलो लौकी दे दो, 1/2 किलो टमाटर दे दो। बोलो, कहेगा भैया तू दिमाग ठीक है क्या तेरा? हमारी दुकान पर ये चीज नहीं मिलती। भगवान महावीर स्वामी से जाकर के आप यदि बाल बच्चे मांग रहे हो, महावीर भगवान ये कहते हैं, भैया मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने खुद ने शादी नहीं की। लोग महावीर जी तिजारा जाकर के बाल बच्चे मांगते हैं, सोचो तो सही। बिना विचारे जो करे भैया, बिना विचार किए हुए कर रहा है, बिना विचार किए हुए कर रहा है। तो जो कर रहा है उसमें विश्वास तो है, लेकिन झूठा विश्वास है। विश्वास रखना है तो कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास रख। मुझे हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, मुझे आंखों का ऑपरेशन करवाना है, लेकिन क्या करूं, मेरा जो दोस्त है वो ENT स्पेशलिस्ट है, और मुझे अपने दोस्त के ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा है। हमने उससे कहा, भैया मेरे आंख का ऑपरेशन तो तू ही करेगा। बोले, यार मैं ENT वाला हूं, मैं आंखों वाला नहीं हूं, आंखों का ऑपरेशन करना नहीं जानता हूं। तेरे कान में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इलाज कर सकता। नहीं नहीं, मेरे को तो तेरे ऊपर भरोसा है, बस तू ही करेगा, बस तू ही करेगा, बस मेरे को तो तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। इस भरोसे में मारा जाएगा भाई, इस भरोसे में मारा जाएगा। ये झूठा विश्वास मत रख, ये गलत विश्वास मत रख। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन वाणी पर श्रद्धा होनी चाहिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि साहब आप इस तरह की बातें करोगे तो लोग मंदिर नहीं जाएंगे। पहले लोग मंदिर नहीं आते हैं, कम से कम भगवान कुछ करते हैं इस भरोसे लोग मंदिर तो आते हैं। अरे भैया, वीतरागियों को देख करके वीतरागी बनने की भावना जागृत होती है, भगवान को देख करके भगवान जैसा बनने की भावना जागृत होती है। भगवान के मंदिर में आने से, निस्वार्थ भाव से विधान करने से, पूजन करने से अपने आप ऐसी कर्म प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां पुण्य में बदलती है, काम होते हैं।
टोडरमल जी साहब ने लिखा है सर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 7 पर लिखा, ऐसा लिखा 7 नंबर पेज पर के अरहंत आदि की पूजन भक्ति करने से लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि भी होती है। क्या? अरहंतों की भक्ति करने से, भगवान की पूजन करने से, भगवान की आराधना करने से लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि भी होती है, लेकिन नीचे उतर करके एक लाइन लिखी, इस लौकिक प्रयोजन को लेकर के भगवान के पास में मत जाना। और हमने तो सुना है, मन में तो कुछ रखते हो और जवान से बोलते हो जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। क्या? मन में तो कुछ रखते हो और भगवान को चढ़ाते समय बोलते हो संसार ताप विनाश ना है। मन में तो कुछ और भावना रखते हो और जवान से बोलते हो अक्षय पद प्राप्त है, काम मन विध्वंस ना है, क्षुधा रोग विनाश ना है, मोह अंधकार विनाश ना है, अष्ट कर्म दहनाएं मोक्ष फल प्राप्त है, अनर्घ पद प्राप्त है। जवान से तो कुछ और बोल रहे हो, पूजा में तो कुछ और पढ़ रहे हो और मन में भावना है अष्ट कर्म दहनाए की भावना नहीं है, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशन की भावना नहीं है। भावना तो यह है कि घुटनों का दर्द मिट जाए, घुटना दर्द निवारण आए। क्या बोलो? कमर दर्द विनाशन आए। क्या? हार्ट रोग निवारण आए। ये इसको लग रहा है मन में तो हार्ट की पीड़ा दिख रही है और मुंह से बोल रहा है हे भगवान जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, तो भैया किससे मायाचारी कर रहा है? दुख क्या है, संकट क्या है, इसकी भी तो खबर नहीं है। असली दुख जन्म जरा मरण का है। न दुख समझते हैं, न दुख के उपचार की बात समझते हैं, इसलिए हो रहा है भगवान का वर्णवाद, इसलिए हो रही है भगवान की निंदा, इसलिए हो रहा है भगवान का अपमान। न केवल भगवान का, शास्त्र का अपमान करता है, शास्त्र की बात को नहीं मान करके संघ का अपमान करता है, बहुमान नहीं करके विनय नहीं करके धर्म का अपमान करता है, देव का वर्णवाद करता है, अपमान करता है, देवों का, लौकिक देवों का भी अपमान करता है। इंद्र देवता बहुत मेहरबान हो गए, जल बरसाने के लिए बैठे इंद्र देवता। ये इंद्र देवता को जल बरसाने वाला मानना, ये सौधर्म इंद्र का अपमान है। सोच लो आप, ये चर्चाएं की इस देव के अपमान में, क्योंकि केवली में देव आ गए हैं पहले, दोबारा देव क्यों लिखा हुआ स्वामी आचार्य ने? दोबारा देव की चर्चाएं क्यों की? उठा करके देखो, ग्रंथ उठा करके देखोगे तो आपको बातें पता लगेगी। भाई साहब, मेरा तो कहना यह है, श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है, हमें विश्वास है, सच कहता हूं, मुझे विश्वास है। किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखो। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखो। अपने आप को दीनहीन और दरिद्री मत समझो, इस बात पर विश्वास रखो। आप में भगवान बनने की ताकत है, इस बात पर विश्वास रखो। भगवान की वाणी पर भरोसा करके भगवान बना जा सकता है, इस बात पर विश्वास रखो। विश्वास रखना है हमारे को, भगवान पर विश्वास रखना है हमारे को। रखो ना उनकी वाणी पर विश्वास कि हे जीव तू आत्मा नहीं, तू परमात्मा बन सकता है, हे जीव तू समस्त कर्मों को नष्ट कर सकता है। विश्वास रखो इस बात पर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये जीवन में प्रकट हो सकता है। विश्वास रखो इस बात पर, विश्वास। लोग समझते हैं भगवान भला करेंगे, इसका नाम विश्वास है। ऐसा नहीं है। विधान करने से घर में शांति हो जाएगी, इसका नाम विश्वास है। ऐसा नहीं है, ये झूठा विश्वास है, क्योंकि इससे कुछ होता तो है नहीं। और आप मानते हो अनर्थ हो जाएगा। भाई साहब, बचो इससे, बचने का प्रयत्न करो। ये मोहिनी नाम का कर्म ऐसा बंधता है, अनंत काल के लिए एक इंद्री में ले जाकर के पटक देता है ये मोहिनी कर्म। थोड़ा सा तो डरो इस मोहिनी कर्म से, थोड़ा सा तो घबराहट होनी चाहिए, थोड़ा सा तो डर होना चाहिए। हमें डर नहीं है, हमें चिंता नहीं है। बोलो, हमें पता नहीं है ये मोहिनी कर्म क्या कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंतराय नाम का कर्म है। क्या करता है अंतराय नाम का कर्म? चाहा हुआ नहीं होता। इस अंतराय कर्म के उदय से, अंतराय कर्म के उदय से चाहा हुआ नहीं होता। चाहता कुछ है और होता कुछ है, सोचा कुछ और हो गया और कुछ। जब इस अंतराय कर्म का उदय आता है तो रोता है, लेकिन बंध के कारणों पर विचार नहीं करता है। मैं उमा स्वामी आचार्य को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तत्वार्थ सूत्र छठा अध्याय, सूत्र नंबर है 27, छठे अध्याय का 27 नंबर सूत्र, विघ्न करण मंत्रायस्य। ओहो,
क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कह रहे हैं विघ्न करणम अंतरायस्य, विघ्न करणम अंतरायस्य। भैया विघ्न करेगा तो विघ्न उत्पन्न होंगे। ओहो क्या कह दिया, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य इनमें यदि विघ्न कर रहा है, किसी के दान देने में विघ्न कर रहा है, किसी के लाभ में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, किसी के भोग में विघ्न और बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, किसी के उपभोग में किसी की शक्ति सामर्थ्य प्रकट नहीं हो जाए, व्यक्त नहीं हो जाए, बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, बंद कर रहा है अंतराय कर्म का, सोचता है ऐसा सोचता है इसका बिगड़ जाए, ऐसा सोचता है इसका अनर्थ हो जाए, ऐसा सोचता है ये क्यों दान दे रहा है, इसका क्यों नाम हो रहा है, बोलो सोचो जरा, सोचता रहता है इस तरह का। दूसरों के काम बिगाड़ोगे तो अपने भी बिगड़ेंगे, आचार्य देव कह रहे हैं, ये अंतराय कर्म कह रहा है, दूसरों के काम बिगाड़ोगे तो अपने बिगड़ेंगे। भाई साहब यदि दूसरों के काम बिगाड़ना चाहते हो तो अपने काम बिगाड़ने के लिए तैयार रहो, और अपने काम नहीं बिगाड़ना चाहते हो तो दूसरों के काम बिगाड़ने की भावना मत भाओ। सोच नहीं रहा है, विचार नहीं कर रहा है, अंतराय कर्म किसका, बाधा हो गई, बाधा हो गई क्या, इसे लगता है इसने काम अटका दिया, इसे लगता है इसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सच सच बतलाना, आपका एक शोरूम है और आपके उस शोरूम पर कोई क्लाइंट आया है और 2 करोड़ की डील फाइनल होने वाली है, 2 घंटा 3 घंटा आपके पास में बैठ करके उसने डिस्कशन किया है, बिल्कुल बात फाइनल हो रही है और आपका चित्त इतना प्रसन्न है कि अब तो 2-3 करोड़ की डीलिंग अभी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा, बस फाइनल है सारी बात। और फिर वो व्यक्ति निकल करके बाहर गया, बाहर निकल करके जाने के बाद उसका कोई जानकार, उसका कोई रिश्तेदार रिलेटिव आपके पड़ोस वाली दुकान पर था, 5 मिनट के लिए पड़ोस की दुकान पर रुका, उससे बातचीत की, कुछ नहीं नॉर्मल बातचीत की, और बातचीत करके वो चला गया। अब दूसरे दिन आपको आपने कॉल किया, भाई साहब वो डीलिंग वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, लगता है डील कैंसिल कर दी उसने। अब आपके दिमाग में बत्ती जलती है, क्या बत्ती जलती है, उसने भाई साहब हे नालायक है, जलता है मेरे से, ये तो वो तो तैयार थे भाई साहब, बिल्कुल हाँ हाँ ही करके गए थे, मान लो आप सारा काम फाइनल हो गया था, वो तो उसके यहाँ गए ना, जरूर उसने भड़का दिया होगा। भैया ये मान्यता मिथ्या मान्यता है, हजारों लोग मिलकर के यदि आपको रोकने का प्रयास करें, हजारों लोग मिलकर के आपको गिराने का प्रयास करें, लाखों लोग मिलकर के आपके काम अटकाने का प्रयास करें, लेकिन यदि अंतराय कर्म का उदय नहीं है तो कोई तुम्हारे काम को अटकाने में समर्थ नहीं है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, अपने अंतराय कर्म का उदय चाहिए, कोशिश कर ले में करने वाले पाप कर्म का उदय मेरा चाहिए, मेरे यदि पाप कर्म का उदय नहीं है तो कितने भी मारने वाले आ जावे वो मुझे मारने में समर्थ नहीं हो सकते, कितने भी कष्ट देने वाले आ जावे, कितने भी लोग सोचें इसका काम अटक जाए, कितने लोग सोचें इसका काम बिगड़ जाए, सोचते रहो सोचते रहो, पता है आपकी ऐसी सोच से क्या होता है, ये कह रहे हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है, बोलो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है दूसरे के काम अटकाने की भावना से, इसको पता नहीं है कर क्या रहा है। भैया सोच और विचार बदल, चिंतन बदल, अपने ही पैरों पर ये सोच रहा है मैंने उसकी ऐसी तैसी कर दी, ये सोच रहा है मैंने उसका काम अटका दिया, तूने उसका काम नहीं अटकाया, तूने अनजाने में अपने काम अटकने के लिए बीज बो दिए हैं, ये अंतराय कर्म सिखा रहा है, सिखा रहा है अंतराय कर्म। बोलो जो उदाहरण मैंने आपको अंतराय के संदर्भ में बिजनेस का दिया है, मैं कई बार ऐसा ही उदाहरण शादी विवाह के संदर्भ में भी देता हूं मेरे पुराने प्रवचनों में। लड़की वाले आए थे या लड़के वाले आए थे हमारी पुत्री के लिए देखने के लिए, बात फाइनल, बहुत हंस के बात कर रहे थे, खुश थे प्रसन्न थे, और निकल करके जाते समय पड़ोसी के यहां 2 मिनट बोलते हुए गए, और दूसरे दिन उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। आपको क्या लगता है पाड़िया जी साहब, बोलो आपको क्या लगता है ये नालायक हमारे खिलाफ है, इसने हमारा रिश्ता बिगाड़ दिया। अरे कौन किसका रिश्ता बिगाड़े भैया, अंतराय कर्म समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या होता है अंतराय कर्म। मैं ये कहना चाहता हूं नवीन सिंह जी साहब, विश्वास रखो अपने कर्म के उदय के ऊपर,
ये विश्वास क्या? आपको यदि अपने कर्म के उदय के ऊपर भरोसा है, अब दुनिया की कोई ताकत विचलित नहीं कर सकती। क्या हमें भरोसा है? सच में मुझे भरोसा है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, मुझे भरोसा है इस बात पर। मुझे भरोसा है इस बात पर हजारों लोग मिलकर के मेरी निंदा और आलोचना करें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे भरोसा है मेरा कर्म का उदय है इस प्रकार का। जब पाप कर्म का उदय होता है भैया, जब तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो आपको सफाई देने साहब की सफाई काम नहीं आती। किस किस को सफाई दोगे आप? मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। पाप के उदय में सफाई काम नहीं आती और पुण्य के उदय में सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम किसे सफाई दे रहे हैं बोलो? हम सोच रहे हैं नहीं, मैं समझा दूंगा, मैं बता दूंगा, कुछ जरूरत नहीं पड़ती। उदय बदल गया भाई साहब, उदय बदल जाता है। याद करो सेठ सुदर्शन को, ऐसी कहानियां इतनी उछलती है, बता ही देता हूं, सुन लो। सेठ सुदर्शन को याद करो, फंस गया था चक्कर में। बहुत सुंदर थे, धर्मात्मा थे, साधना करते थे, अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में समय वहां जाकर के नग्न होकर के साधना करते थे, शमशान में जाकर के सामायिक करते थे। रानी मोहित हो गई उनके ऊपर, रानी मोहित हो गई और मना कर दिया। नहीं, रानी के भाव समझ गए वो, मना कर दिया, अरे मैं तो नपुंसक हूं, पीछा छूटा रानी से, मैं तो नपुंसक हूं। बाद में 10-15 दिन बाद में रानी को पता लगा कि इनके तो संतान है, इनके तो पुत्र हैं, धोखा दिया उसने मेरे को, मैं भी देख लूंगी। और रानी ने धोखे से क्या किया, अपनी सेविका और अपनी दासियों को साथ में लेकर षड्यंत्र रचा। और दासियों ने रात के अंधेरे में, रात्रि में 12-1 बजे के आसपास अपनी दासियों से एक मूर्ति मंगवाई चादर में लपेटकर, पत्थर की मूर्ति। और पहरेदारों ने रोका और उन्होंने मूर्ति को घेर दिया और मूर्ति टूट गई। षड्यंत्र था, षड्यंत्र का पार्ट था। और इतनी नाराज हुई दासियां, आप समझते नहीं हो, रानी ने अनुष्ठान के लिए मंगाई थी, आपने सारा अनुष्ठान बिगाड़ दिया, ये हो गया, सब सब दुनिया भर का षड्यंत्र रच दिया। वो भी घबरा गए बेचारे। अब दूसरी लेकर के आते हैं, बेचारे सिपाही पहरेदार साइड में हो गए। दोबारा गए वे सब, और जहां वे साधना कर रहे थे वहां से उठा करके ले आए उनको कपड़ा डाल करके, और रानी के महल में षड्यंत्र का पार्ट बन गए। राजा उपस्थित हो गया और इस हाल में देखा गया वहां। सेठ सुदर्शन की बात कर रहा हूं, मोक्ष गए हैं, भगवान बने हैं सेठ सुदर्शन, पटना से मोक्ष गए हैं, मालूम है आपको, भगवान हैं अपने। इतिहास की कहानी सुना रहा हूं, जैन इतिहास की कहानी सुना रहा हूं, पकड़ में आ गए। थूथू हो गई, राजा ने बुला लिया और सूली पर चढ़ाने लग गए उन्हें। बोलो तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है? तुम्हें अच्छा नहीं समझते थे? सारा नगर इकट्ठा हो गया, इतने धर्मात्मा, इतने महान, इतने महापुरुष, बहुत धर्मात्मा बनते थे, इस धर्मात्मापन के पीछे इतना बुरा चेहरा छिपा हुआ है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। क्या कहा सेठ सुदर्शन ने? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। पत्नी खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, सारे गांव के लोग खड़े हुए हैं, बोलो जरा क्या सफाई दे, क्या बोले, क्या बताएं? कुछ नहीं। पाप कर्म का उदय, जब मेरे ही पाप कर्म का उदय है तो सफाई काम नहीं आएगी, क्या करें? जरूरत नहीं है आपको ज्यादा बोलने की और सफाई देने की, क्योंकि मेरे पाप कर्म का उदय। देखो आप, देवलोग उसके शील की प्रशंसा करने के लिए जैसे ही उसे सूली पर चढ़ाया जा रहा था, जैसे ही फांसी दी जा रही थी, देवलोग ऊपर से प्रकट हो गए, जय जयकार करने लग गए और सूली का सिंहासन बना दिया। सारी बात प्रकट हो गई, फिर सजा तो मिली लेकिन सेठ को नहीं, किसको? यह बात आप समझ सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं, यदि उसके पुण्य का उदय नहीं आता, यदि ये परिस्थितियां नहीं बदलती, तो शायद हम भी इतिहास में ये कहते कि ऐसा सेठ, उसने ये काम किया। उदय है भाई साहब, उदय है, परिस्थितियां हैं, इसलिए ये कर्म हमारे को सिखा रहे हैं। मत कोशिश कीजिए किसी के ऊपर आक्षेप लगाने की, मत इल्जाम लगाइए किसी और के ऊपर, तेरी वजह से मेरा काम बिगड़ गया, तेरी वजह से दूध उफन गया, तेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तेरी वजह से मैं फेल हो गया, तेरी वजह से मैं पकड़ में आ गया, तेरी वजह से मेरी हड्डी टूट गई, तेरी वजह से मुझे सजा मिल गई, तेरी वजह से मुझे उन्होंने पनिशमेंट दे दिया। अरे दूसरों के ऊपर कब तक उंगली उठाते रहोगे? याद रखो, जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है तो तीन उंगलियां अपनी तरफ भी होती है।
क्यों नहीं याद करते हो इस बात को? ये कर्म सिद्धांत जीवन जीने की कला सिखा रहा है, ये कर्म सिद्धांत आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहा है, ये कर्म सिद्धांत सिखा रहा है, ये कर्म सिद्धांत सिखा रहा है सोचने का नजरिया, ये कर्म सिद्धांत बतला रहा है देखने का दृष्टिकोण। सहज रहो, शांत रहो, अपने उदय का विचार करो। जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। विश्वास करो इस कर्म सिद्धांत के ऊपर। बोलो, दान देने वालों की अनुमोदना करो। लाभ यदि पड़ोसी को मिल गया है तो मन ही मन जलो मत, ईर्ष्या का भाव मत रखो। भोगने में, उपभोग में अटक जाते हैं भाई साहब, भोग और उपभोग के काम आपके किसने अटका दिया है? महीने भर से इंतजार था पार्टी का, महीने भर से इंतजार था, बेटे की शादी हो रही है, तैयारियां चल रही थी, खूब उत्साह था मन में, और जिस दिन शादी का समय आया उस दिन दस्त लग गए, तबीयत खराब हो गई, इतना बीमार हो गया कि बिस्तरों से हिल नहीं सका, और दो दिन तक बीमार पड़ा रहा, और तीसरे दिन बिल्कुल ठीक, शादी अटेंड नहीं कर पाया, पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। भोगना चाहे और भोग नहीं पाए, उपभोग करना चाहे और उपभोग नहीं करना कर पाए। कौन? अंतराय। अंतराय बंद के कारण क्या है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, ये बंद के कारण है। विघ्न करणम, दूसरे के काम में विघ्न उत्पन्न कर दिया, अंतराय कर्म बांध लिया। विघ्न करणम अंतरायस्य, विघ्न मत करो, विघ्न मत करो। अरे विघ्न करो ये तो बहुत दूर की बात है, विघ्न करने का विचार भी मत करो, क्योंकि विचार करने मात्र से कर्म बनते हैं। कर्म आपके एक्शन को नहीं, कर्म आपके इंटेंशन को पकड़ते हैं, आपके भाव को पकड़ते हैं। प्रति समय वो याद करो, उस कैमरे को याद करो, उस रिकॉर्डिंग को जो बाहर नहीं अंदर में पकड़ रही है, उसे याद करो, उसे सोचो, बदल लो, सोच बदल लो, आगे चलते हैं। भाई साहब बहुत बातें इसके संदर्भ में कही जा सकती थी, मेरी भावना तो यह है कि आप सभी कर्मों के बंधन के कारणों को निपटा दूं। है हमारे पास में आधा घंटा, अभी चिंता मत करो, बहुत होता है आधा घंटा, आधे घंटे में तो भाई साहब बहुत कुछ काम हो सकता है। ये जैन शासन है, आधे घंटे में दुनिया बदल सकती है। आधे घंटे में भरत जी को केवल ज्ञान हो गया था दीक्षा लेने के बाद। बोलो, भरत जी छह खंड की विभूति को छोड़कर के दीक्षा ली, साधना के लिए बैठे और आधे घंटे में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमारे ज्ञानचंद जी विदिशा वाले पंडित जी साहब थे, वो बोलते थे पौन घंटे में तेरे मकान की नींव नहीं डाली जा सकती है, बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा सकती है, लेकिन इस पौन घंटे में तू अपने आत्मा का अनुभव करके भगवान बन सकता है, परमात्मा बन सकता है। बोल, ये बात है भाई साहब, कुछ श्रद्धा बदलने की बात है, विश्वास बदलने की बात है। देखिए आप, अघातिया कर्म चार हैं, अघातिया कर्म, वेदनीय कर्म की बात कर रहे हैं क्या? वेदनीय कर्म की हम बात कर रहे हैं। कैसा बांधता है ये वेदनी नाम का कर्म? कौन बांधता है इस वेदनी कर्म को? वेदनी आयु, नाम, गोत्र, इन कर्मों के आश्रव और बंध के कारण क्या हैं? उमा स्वामी आचार्य को फिर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उमा स्वामी आचार्य क्या कह रहे हैं? उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं वेदनी कर्म साता और असाता दो रूपों में देखा जाता है, और तत्वार सूत्र छठा अध्याय सूत्र नंबर 11 है, दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य असत वेद्यस्य, असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण। असाता, असाता को चाहते हैं, पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप करना, हर व्यक्ति पाप करता है, हर व्यक्ति पाप में उलझा हुआ है। एक दिन पुण्य और पाप में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, साता और असाता में थोड़ा सा विवाद हो गया, पुण्य बोला मैं बहुत पॉपुलर हूं, पाप बोला मैं ज्यादा पॉपुलर हूं, तेरे से ज्यादा मैं प्रभावशाली हूं, बोले वोटिंग करा करके देख लो। पुण्य ने देखा सारी दुनिया में लोगों के मनों में देखा झांक करके, तो मालूम चला सब पुण्य को चाहते हैं, और तुरंत पासा फेंक दिया कि अरे पाप तुझे तो कोई नहीं चाहता, पाप तुझे तो कोई पसंद नहीं करता, हर व्यक्ति देखो पुण्य पुण्य को पसंद करता है, हर व्यक्ति को पुण्य चाहिए, हर व्यक्ति को पुण्य चाहिए, हर व्यक्ति को पुण्य चाहिए, देखो देखो मैं जीत गया। तो पाप ने तुरंत पलट करके कहा कि भैया सुन, पसंद तो तुझे करते हैं लेकिन दिन रात अपनाते मुझे ही हैं। लोग समाज में दुनिया में पुण्य को पसंद तो कर रहे हैं लेकिन दिन रात पाप में बिता रहे हैं। आप पाप का फल नहीं चाहते, लेकिन पाप का फल नहीं चाहते तो पाप परिणामों से बचना होगा क्या? बोलो,
क्या कह रहे हैं यहां पर, दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन, छह शब्द दिए हैं उमा स्वामी आचार्य देव ने असाता कर्म के आश्रव के कारण के लिए। ये कह रहे हैं किसी व्यक्ति को दुखी मत करो, किसी व्यक्ति को शोक संतप्त मत करो। शोक क्या होता है, किसी का वियोग हो जाने पर जो पीड़ा होती है वो शोक कहलाता है। ताप क्या होता है, अपनी निंदा सुनकर के जो मन में जलन होती है, खेत खिन्नता होती है, ये ताप कहलाता है। जब आंसू बहने लगते हैं तो ये आक्रंदन कहलाता है। मत बहाओ, अपन कुछ ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से दूसरों की आंखों में आंसू बहे। वध, किसी के प्राणों का वियोग मत कराओ। परिवेदन, अत्यंत दुखी होकर के करुणा से भी मत रो, ऐसा कह रहे हैं ये। और सुनो, बात थोड़ी सी और गहराई में जाकर के करता हूं, उमा स्वामी आचार्य के सूत्र की गहराई में जाकर के बात करता हूं। ये बात तो सारी दुनिया कहेगी, ये बात तो हर व्यक्ति कहेगा। आत्मन है प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, ये तो गीता का वाक्य है। गीता यह कहती है जो आपको स्वयं को प्रतिकूल लगता हो ऐसा काम दूसरे के लिए मत कीजिए। मत कीजिए दूसरों को दुखी, ये गीता कह रही है। मत कीजिए दूसरों के साथ में ऐसे काम कि ठीक है, लेकिन उमा स्वामी आचार्य की पॉजिटिव दृष्टि बतला रहा हूं। अशोक जी भाई साहब, आज दुनिया में, आज पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी का बोलबाला दिखाई देता है। आज सारे मोटिवेशनल स्पीकर सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिविटी की बात करते हैं। हर व्यक्ति पॉजिटिविटी की बात करने लगा है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। कितने समय की कमाई है ये सब जो समाज में चल रही है, 10 साल से, 25 साल से, 40 साल से। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, इस पॉजिटिविटी के जनक यदि कोई हैं, इतिहास में यदि कोई पॉजिटिविटी के जनक हैं, तो वे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी। और उस पॉजिटिविटी को आगे यदि किसी ने बढ़ाया है तो वे हैं उमा स्वामी आचार्य। क्यों ऐसा, ऐसा क्या लिखा? कुंद कुंदाचार्य की समय सार की 186वीं गाथा, जो शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है। पॉजिटिविटी की बात की, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं दुखी करना तो नहीं, दुखी होने से भी असाता कर्म बंधता है। क्या कह रहे हैं, ये सोचता है, ये कहता है भाई साहब दुखी तो नहीं करता मैं, अब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया, कमरा बंद करके रो भी नहीं सकता हूं क्या मैं खुद ही तो दुखी हो रहा हूं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा, मैं खुद रो रहा हूं, मैं कोई बात नहीं, मन ही मन दुखी होता रहता है। आचार्य देव कह रहे हैं यदि तू वर्तमान में दुखी हो रहा है तो भविष्य के लिए दुख के बीज बो रहा है, दुखी मत हो। यह कर्म का उदय दुखी करने में समर्थ नहीं है, कर्म का उदय देख देख करके पीड़ित होने की जरूरत नहीं है, खेत खिन्न होने की जरूरत नहीं है। दुखी करना भी नहीं और दुखी होना भी नहीं, ये पॉजिटिविटी की बात करते हैं आचार्य उमा स्वामी। स्वयं दुखी नहीं होंगे, कभी शोक संतप्त नहीं होंगे, कभी खेत खिन्न नहीं होंगे। कि साहब पाप कर्म के उदय में तो रोना आता है, पाप कर्म के उदय में यदि रोगे तो नए पाप कर्मों को बांधोगे। पाप कर्म के उदय में भी उस उदय से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व का विचार करो, पाप कर्म के उदय के काल में भी उस पाप से भिन्न अपने आत्म तत्व का विचार करो, उस पाप कर्म के उदय के काल में भी ये पाप कर्म का उदय मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है इस बात का विचार करो। क्या बिगाड़ लिया इस पाप कर्म के उदय ने, संयोगों पर आता है ये पाप कर्म का उदय, परिस्थितियां क्रिएट कर सकता है। मन स्थिति मेरे हाथ में है, विचार चिंतन मेरे हाथ में है, बदलो वहां, वहां बदलने की सोचो। बहुत बातें हैं भाई साहब, बहुत बातें हैं, सुनो, रोना नहीं, अब नया कर्म नहीं बांधेंगे। साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण बतलाए, साता कैसे बंधती है, पुण्य कैसे बंधता है। भूत वृत्त्यनुकंपा दान शराब संयमादि योग एक शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य, 12 नंबर का सूत्र। जीवों के प्रति करुणा का भाव, व्रतियों के प्रति दया का भाव, अनुकंपा का भाव, दान देने का परिणाम संयम का भाव, शांति का भाव, निर्लोभपन की वृत्ति, सातावेदनी नाम का कर्म बनता है। पुण्य प्रकृतियां बनती है इससे, सहज रहो, शांत रहो। अरे साहब ठीक है, अब शांति रखेंगे, अब सहज रहेंगे हम, पुण्य प्रकृतियां बंधेगी ना, अब सहज और शांत रहेंगे। सुनो फिर कहता हूं आपसे, फिर कहता हूं आपसे, विचार करना, आप पुण्य क्यों बांधना चाहते हो, पुण्य क्यों बांधना चाहते हो आप? पुण्य से अनुकूलताएं मिलती है, पुण्य से मुक्ति नहीं मिलती। और पुण्य और पाप, साता और असाता, यद्यपि दोनों पर्यायवाची नहीं है सूक्ष्म दृष्टि वाले लोगों की दृष्टि से, मैंने पहले भी कही है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन करते समय बीच में,
148 कर्म प्रकृतियों में 100 प्रकृतियां पाप रूप है, 68 प्रकृतियां पुण्य रूप है, लेकिन साता और असाता 148 में से सिर्फ दो प्रकृतियां हैं वेदनीय कर्म की। इसलिए साता माने पुण्य प्रकृतियां नहीं होता, असाता माने पाप प्रकृतियां नहीं होता, कहने के लिए कह दिया जाता है मोटा मोटा। साता के उदय से अनुकूलताएं मिल गई, साता के उदय से यश प्रतिष्ठा मिल गई, साता के उदय से मान सम्मान मिल दिया, लोगों को साता पसंद आने लगती है, अच्छी लगने लगती है। लेकिन साता के साथ में असाता भी होती है, पुण्य के साथ में पाप भी होता है। जब पुण्य पुण्य को चाहेंगे तो पाप पीछे से अपने आप आ जाएगा। पुण्य की चाह माने पाप की चाह है, पुण्य को बनाए रखने की चाह माने अनजाने में कहीं ना कहीं पाप को इकट्ठा करने की चाह है। इसलिए सावधान रहें, पुण्य की चाह भी ना रखें। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और कर्म है, एक और कर्म है, कौन सा? उसका नाम है आयु नाम का कर्म। ये कैसे बंधता है? चार प्रकार की आयु होती है, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु, देव आयु। हम बांधते हैं, कौन ले जाता है इसे नरक में, कौन ले जाता है इसे तिर्यंच में, कौन ले जाता है स्वर्ग में, किसने बना दिया है मनुष्य? क्या हम सोच करके मनुष्य हुए थे? अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने कर्म के उदय में इस जीव को मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। लेकिन बांधे कैसे थे ये बतलाओ। चार आयु कर्म के लिए उमा स्वामी आचार्य देव ने 5-6 सूत्र दिए हैं तत्वार सूत्र में, सब नहीं बतलाना चाह रहा, विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा। नरक, नरक का कारण क्या है? बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य है। ओ, हम तो परिग्रह परिग्रह के लिए पीछे मरे जा रहे हैं, हम तो इकट्ठा करने के पीछे मरे जा रहे हैं। इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, जितना चाहो इकट्ठा कर लो भाई साहब, लेकिन तुम्हारे इकट्ठा करने से इकट्ठा नहीं होता, और इकट्ठा करने की भावना से, आरंभ और परिग्रह की भावना से नरक आयु का बंध होता है, नरक आयु का आश्रव होता है, नरक के दरवाजे खुलते हैं। आपके इकट्ठा करने से इकट्ठा नहीं होता, आपके जोड़ने से जुड़ता नहीं है। कितनी दुकानें चलाएं, कितनी फैक्ट्रियां लगाएं, बोलिए आप कि हम चक्रवर्ती बन जाएं, कितनी फैक्ट्रियां चलाएं कि चक्रवर्ती बन जाएं, बोलो कितने बिजनेस आपको मालूम है? सर सेठ हुकमचंद जी का वो दृष्टांत, वो प्रसंग, जीवन का प्रसंग, इंदौर के सेठ साहब चिंता में मशगूल थे, 2-3 दिन हो गए और सेठानी ने देखा, इतनी चिंता, इतनी चिंता, काई काई की उधेड़बुन में लगे हुए हैं ये। सेठ जी से कही, पूछी, सेठ जी क्या बात है, 3-4 दिन से देख रही हूँ बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुलित हैं। सेठ जी ने कहा, अरे मैं तेरे को बताना भूल गया, 8वीं मील फैक्ट्री डालने की तैयारी चल रही है, 8वीं फैक्ट्री डालने की तैयारी चल रही है। ओहो, सेठानी जी ने तुरंत पलट करके कहा, सेठ जी नरक साथ ही होते हैं। क्या बढ़िया सेठ जी साहब, आपके सेठ जी का उदाहरण है, बोलो सच्ची घटना है उनके जीवन की। सेठानी जी ने कहा, सेठ जी नरक साथी होते हैं, सच्ची घटना है, सेठ साहब ने फैक्ट्री लगाने का विचार और प्रोग्राम और प्लानिंग पूरी की पूरी कैंसिल कर दी। ये जो आरंभ परिग्रह का परिणाम है, ये आचार्य देव कह रहे हैं ये नरक जाने का दरवाजा है। देखिए सुनना, एक बात सुनना, ये बात सुनकर के कोई व्यक्ति ऐसा न समझ ले वे कि सारे पैसे वाले लोग नरक में जाएंगे, ऐसा भ्रम हो जाता है। बोले साहब ये तो परिग्रह परिग्रह है ना, ये सब नरक में जाएंगे। सुनो, परिग्रह का मिलना ये कर्म के उदय से है, ये नरक का कारण नहीं है। किस व्यक्ति के पास में कितनी संपत्ति है, किस व्यक्ति के पास में कितना वैभव है, ये उसके नरक का कारण नहीं है। तो क्या नरक का कारण है? संपत्ति हो या नहीं हो, संपत्ति के प्रति जो आसक्ति का भाव है, संपत्ति के प्रति जो लगाव का भाव है, उसके प्रति जो चेंट है, उसके प्रति जो ममत्व है, वो परिग्रह है, वो बहुत आरंभ और परिग्रह है। ये किसी को भी हो सकती है। एक भिखारी व्यक्ति भी नरक जाने का कर्म बांध सकता है, और एक करोड़ और अरबपति संपन्न व्यक्ति भी निरभिमानता, डिटैचमेंट के द्वारा स्वर्ग के दरवाजे खोल सकता है। बात तो परिणामों की है, बात परिस्थिति की नहीं है। ये कर्म सिद्धांत परिणाम बदलने की कह रहा है। आप क्या करेंगे यदि आपके साता के कर्म के उदय से संपत्ति का मिलने का योग है तो? बोलो कि नहीं नहीं साहब, जितना धन मिला है जमीन खोद करके गाड़ दूंगा मैं उसे, कि जमीन खोदी उसने धन गाड़ने के लिए,
और जहां जमीन खोदी वहां और धन निकल गया, क्या करे? आप तो सोच रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं कमाऊंगा। मत कमाओ आप, लेकिन आपके नहीं कमाते हुए भी सिर्फ एक जमीन थी आपके पास में, 100 गज का प्लॉट था आपके पास में, उसी जमीन के इतने दाम बढ़ गए कि वो करोड़ों अरबों की हो गई। आप क्या करो बोलो, आपके हाथ में क्या है? 100 रुपए का शेयर खरीदा था और 10,000 रुपए का हो गया, आप क्या करो? थोड़ी सी चांदी लेकर के पटक रखी थी और चांदी के भाव आसमान को छू, आप क्या करो बोलो? हमारे हाथ में है ही नहीं घटना और बढ़ना, संपत्ति का घटना संपत्ति का बढ़ना उस पर हमारी चलती नहीं है। इसलिए परिणामों को संभालने की बात, नरक की बात हुई, तिरियंच माया तिरियोनस्य, मायाचार के फल में तिरियंच मिलती है, मायाचार के फल में तिरियंच आयु की प्राप्ति हो जाती है। जो जो मायाचारी छल करता है, अरे आड़े तिरछे परिणाम रखता है, आड़े तिरछे परिणाम रखता है, परिणामों में यदि आड़ा तिरछापन है तो गति भी ऐसी प्राप्त हो जाएगी जो तिरछी मिलेगी, मनुष्यों जैसे सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, तिरछी गति की प्राप्ति हो जाएगी। मायाचार छल कपट, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, उत्तम आर्यव धर्म का प्रवचन सुन लेना कहीं से भी, 1 घंटे का प्रवचन, मायाचार ये किसका? तिरियंच आयु के आश्रम का कारण। आगे चलो, स्वभाव की सरलता मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है, अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्यस्य, स्वभाव की सरलता मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। और इतना ही नहीं, और आगे चलो, आगे चल करके कहते हैं, सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, शांति का परिणाम, त्याग का परिणाम, वैराग्य का परिणाम, संयम की भावना, व्रतादिक की भावना, उपवासादिक की भावना, स्वाध्याय का परिणाम, जनवाणी सुनने का भाव देवायु के आश्रम का कारण है। लेकिन है तो सब आयु ही भाई साहब। अब बोलो कैसे भाव करने हैं आपको, कैसे भाव करने हैं? नहीं नहीं देवों के लिए करो साहब, देवों के लिए। अरे देव गति में भी शांति नहीं है, ये चारों गतियां बंधन है, ये चारों गतियां जेल है, जेल से छूटना नहीं होता है। देव में चले जाओगे तो वहां भी परमानेंट अवस्था नहीं मिलेगी, लौट करके दोबारा यहीं आ जाओगे, कुत्ता बिल्ली बन जाओगे, हाथी घोड़ा बन जाओगे। बोलो, देव गति से मर करके भी पेड़ पौधे बन जाओगे। देव गति हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, हमें नहीं जाना है देव गति में, हमें नहीं चाहिए देव गति। देव गति की चाह में भी पाप बंधता है क्या, इसलिए बचो, इससे बचने के प्रयत्न करो। आगे बढ़ता हूं, नाम कर्म क्या है? ये नाम कर्म, शरीर संरचना कल काफी चर्चा की थी आपके बीच में, भाई साहब निश्चिंत कर रहे हैं सारे कर्म। मैं तो कभी कभी सोचता हूं इस कर्म सिद्धांत को समझ करके मैं तो निर्भर हो गया, कर्म सिद्धांत को समझ करके मेरा सारा वजन उतर गया, कर्म सिद्धांत को समझ करके जितनी टेंशन दिमाग पर थी, शरीर संबंधी, परिस्थितियों संबंधी, परिवार संबंधी, बिजनेस संबंधी, खान पीन संबंधी, सारी की सारी टेंशन उतर गई। क्योंकि जिस कार्य को जिम्मेदारी से कर्म ने संभाल रखा है, मैं जबरदस्ती उसमें टांग अड़ाने की चेष्टा क्यों कर रहा हूं? दो तरह के कर्म, शरीर कैसे बिगड़ेगा, शरीर कैसे ठीक रहेगा, कर लो कर लो, एक जाप कर लो थोड़ा सा, तबीयत ठीक हो जाएगी आपकी। तबीयत ठीक करने के लिए करो तो सही, करो तो सही। अशोक जी, भाई साहब मैंने पिछले दिनों में अपने प्रवचनों में दर्शक्षण के पहले इस तरह की बातें खूब की है, खुलकर के लोगों के बीच में, जब इस तरह की चर्चाएं समाज में उठती रही, जो लोग ये कहते हैं कि इस मंत्र के जाप से ये तबीयत ठीक हो जाती है, क्या उन्हें विश्वास है उस मंत्र के ऊपर? दिल पर हाथ रख करके कहना, जो लोग ये कहते हैं कि इस मंत्र से ये तबीयत ठीक हो जाएगी, इस अनुष्ठान से ये काम हो जाएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्या उनको भरोसा है क्या इस बात के ऊपर? और यदि उनको भरोसा है तो बच्चे के कैंसर हो जाने पर विदा नहीं कराएंगे ना, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे ना? बोलो, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाने पर जाप ही करेंगे ना बस, फिर डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं है? किसको धोखा दे रहे हैं हम, किसको धोखा दे रहे हैं भाई साहब? जो कर्म सिद्धांत को मानता है वो भगवान को कर्ता नहीं मान सकता, जो भगवान को कर्ता मानता है वो कर्म सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता।
दूसरे धर्म दर्शनों में ईश्वर बैठे हुए हैं सब कुछ करने वाले, उनके यहाँ कर्म व्यवस्था नहीं है, उनके यहाँ कर्म सिद्धांत नहीं है, कर्म फिलोसॉफी नहीं है। हमारे यहाँ एक अद्भुत कर्म सिद्धांत है जो ये कहता है, भगवान आप हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहो, भगवान आप सर्वज्ञ हो, आप ज्ञाता दृष्टा रहो, हमारा काम होने दो जैसा हो रहा है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, ये कर्म सिद्धांत यूनिक है, ये कर्म सिद्धांत अद्भुत है जैनियों का। पूरे विश्व के धर्म दर्शनों में ऐसे कर्म सिद्धांत की चर्चा नहीं मिलेगी, ये फिलोसॉफी है ही नहीं दुनिया में कहीं भी। ये कर्म सिद्धांत, नाम कर्म, योगों की वक्रता, अशुभ नाम कर्म, शरीर बिगड़ गया, चेहरा बिगड़ गया, दांत हिलने लग गए, पेट की आंतें काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं साहब, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं क्या करूं पंडित जी, कोई उपाय बतलाओ। कि बांधा था भुगत, और क्या है, बांधते समय विचार नहीं करता है तो भुगतते समय रोना ही पड़ेगा भैया, रोना ही पड़ेगा। विसंवाद करता है, लड़ने की वृत्ति होती है, शरीर की विकृति होती है, मन वचन काय की विकृति। तूने चेहरा बिगाड़ा ना दूसरे की तरफ, दूसरे की तारीफ चल रही थी, दूसरे की प्रशंसा चल रही थी, और ये मुंह बिगाड़ रहा है। इसके शरीर के एक्शन, ये मुंह बिगाड़ता है, कुछ नहीं है, क्या है, मन ही मन। भैया तूने दूसरे का बिगाड़ने की सोची, तेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, सोच ले, टेढ़ा हो जाएगा तेरा चेहरा। सोचने की जरूरत नहीं है तुझे, देखने की जरूरत नहीं है, बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, दूसरों के लिए बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं, आदर का भाव रखो, पाप से डरो, धार्मिक वृत्ति रखो, यदि आप शुभ नाम कर्म के फल को चाहते हैं तो। बचो बचाओ, सरलता रखो, परिणामों में सरलता रखो, विकृति मत आने दो अपने अंदर में। और ये परिणाम कैसे संभलते हैं, ये परिणाम कैसे सुधरते हैं, मैं चर्चा करूंगा कल आपके बीच में, क्योंकि आज आठों कर्मों की एक बार बंद के कारणों को निपटा लूं। यहां दो दिन तो कुछ फ्री रह करके चर्चा करूंगा भाई साहब, कल और परसों कर्म सिद्धांत के बारे में ही करूंगा चर्चा तो, लेकिन कर्मों से मुक्ति कैसे मिले, क्या चीज हमारे कंट्रोल में है, इन कर्मों को कंट्रोल कैसे किया जाए, ऐसी कुछ चर्चाएं करूंगा आगे आने वाले दो दिनों में। कर्मों को कैसे जीता जाए, अंतिम कर्म है एक और, सुन लो जरा थोड़ा सा। नाम क्या है इसका, गोत्र। फल क्या मिलता है, उच्च अवस्था और नीच अवस्था की प्राप्ति, ये गोत्र कर्म। आप क्या चाहते हैं, नीच हो जाएं मर करके। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, अपने आप को बड़ा समझ रहा है, अपने आप को महान समझ रहा है, अपने आप को सुपर समझ रहा है, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। कि भैया चार दिन की चांदनी है फिर वापस, रात के बाद में दिन और दिन के बाद में रात आता ही है, कृष्ण पक्ष के बाद में शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के बाद में कृष्ण पक्ष आता ही है। यह उदय की परिस्थितियां हैं, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। पाप के बाद में पुण्य का उदय और पुण्य के बाद में पाप कर्म का उदय आता ही आता है। परिस्थितियां बदलती बदलती है। इस दुनिया में कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसका प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक जैसा उदय रहा हो। छोड़ दो तीर्थंकर परमात्माओं की, वो स्पेशल प्रकृतियां हैं कुछ। जन्म से लेकर के मरण तक एक जैसी स्थितियां नहीं होती कभी किसी की, बदल जाएगा। समय नहीं लगता, समय बदल जाने में समय नहीं लगता। सहयोग करने वाले विरोधी हो जाते हैं, विरोध करने वाले सहयोगी हो जाते हैं। रामचंद्र जी 6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध करके, लोगों को मौत के घाट उतार करके सीता को बचा करके लेकर के आए, सुरक्षित अपने घर में लेकर के आए। मैं आपसे पूछता हूं, फिर क्या हो गया था, जंगल में छुड़वा दिया, उदय बदल गया। मैं आपसे पूछता हूं, जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो देवों ने आकर के पुष्प वृष्टि कर दी, जय जयकार करने लग गए, अग्नि का जल कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, उस समय देव लोग कहां चले गए थे जब सीता को रावण उठा करके ले जा रहा था, उस समय कहां चले गए थे देव लोग। रावण उठा करके ले जा रहा है, सो गए देव लोग जाकर के। मैं आपसे पूछता हूं, ऋषभदेव स्वामी जब 6 महीने वे आहार के लिए नहीं निकले तब तक तो ठीक, गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, दीक्षा कल्याणक मनाया, और आज दीक्षा कल्याणक मनाए हुए 6 महीने भी नहीं बीते हैं, आहार चर्या के लिए रोजाना जा रहे हैं और कोई आहार देने वाला नहीं है, क्या हो गया देवों को, कहां चले गए वे सारे के सारे देव लोग। उदय पाप का, उदय पुण्य का, उदय बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएगी, उदय बदल जाएगा, अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं में बदल जाएगी, प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदल जाएगी। गोत्र कर्म क्या कह रहा है,
पर आत्म निंदा प्रशंस से सत सदगुणों चादनों भावने से नीचे गोत्र से पर की निंदा ओहो पर की निंदा और आत्म प्रशंसा मजा आ रहा है अपनी प्रशंसा करने में मजा आ रहा है, अपनी प्रशंसा सुनने में मजा आ रहा है, और प्रशंसा थोड़ी कम प्रशंसा करे सामने वाला व्यक्ति तो सुहाता नहीं है। एक पीएचडी वाले व्यक्ति को कोई कह दे वे ये तो एमए पास है तो नहीं पीएचडी हूं मैं तो क्या बर्दाश्त नहीं होती इसको बात। कोई अरबपति व्यक्ति को कोई कहे तो करोड़पति है तो इसे बर्दाश्त नहीं होती। कोई बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर के बारे में कहे क्या ये भी हमारे कंपाउंडर साहब है अरे क्या बात कर रहे, इसे बर्दाश्त नहीं होती बात, अंदर से उछलती है बात। सुन भैया पर की निंदा करना छोड़ दे नीच गोत्र कर्म का आश्रम होगा। पर के गुणों को ढकना बंद कर दे, पर के दोषों को उजागर करना बंद कर दे। दूसरों के दोष दिखाई देते रहते हैं और अपने गुणों को उजागर करना चाहता है, अपने दोषों को छिपाना चाहता है, बड़ा होशियार बनता है। मैं इस संबंध में एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हमेशा एक व्यक्ति गार्डन में घूमने के लिए गया और अचानक एक आवाज आई उसके कानों में, फूल चुन रहा था गार्डन में, फूल चुन रहा था। और जैसे वो फूल चुन रहा था, फूल चुनते चुनते अचानक एक आवाज आई, भैया क्या अन्याय करते हो, क्या बेईमानी करते हो, गलत काम करते हो। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। ध्यान से सुना तो एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बोल रहा था, मैं क्या गलत काम कर रहा हूं कि आप ये गलत काम कर रहे हैं कि फूल चुन रहे हैं और कांटों को छोड़ देते हैं। व्यक्ति ने कहा इसमें क्या गलत काम है, सबको फूल चुनना चाहिए और कांटे छोड़ देने चाहिए, ये तो अच्छी ही बात है ना, इसमें क्या गलत काम करता हूं। तो पता है क्या जवाब दिया उस पौधे ने, यहां तो बड़े होशियार बनते हो, फूलों को चुनते हो और कांटों को छोड़ देते हो, लेकिन जब किसी इंसान से मिलते हो, जब किसी व्यक्ति से मिलते हो तो उसके कांटों को, बुराइयों को और दोषों को चुनते हो, उसके गुणों को नहीं देखते हो। उस पौधे ने एक शिक्षा दी, उसने एक सीख दी उस व्यक्ति को, ये कहा सुनो जो लोग फूलों को चुनते हैं उनके पास में फूल इकट्ठे होते हैं, जो लोग कांटे चुनते हैं उनके पास में कांटे इकट्ठे होते हैं। ध्यान रखना यदि आप दूसरों की कमियां और दोषों को चुनेंगे तो आपके पास में दोष और कमियां इकट्ठी होंगी, और यदि आप गुणों को चुनेंगे तो आपके पास में गुण क्वालिटी इकट्ठी होंगी। ये चॉइस आपके ऊपर है, आप क्या चुनते हैं और आपके पास में क्या इकट्ठा करना चाहते हैं। भगवान के गुणों को देखो, वीतरागियों के गुणों को देखो, मुनिराजों के गुणों को देखो, श्रावकों के गुणों को देखो, अपने आप के गुणों को देखो, और मैं कहना चाहता हूं अनंत गुण संपन्न अपने आत्मा को देखो। क्या देखो तो सही, एक बार दृष्टि तो दो आप अपने उस आत्म तत्व के ऊपर, वो भी गुण संपन्न है। हम तो रोते हैं जब कर्म का उदय आता है तो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, जब कर्म का उदय आता है तो हम रोते रहते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो गया। रोता रहे भैया, रोता रहे तू। ये कर्म सिखा रहे हैं, ये जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, ये उमा स्वामी आचार्य कर्म सिद्धांत के बहाने आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, ये उमा स्वामी आचार्य कर्म सिद्धांत के बहाने जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं, सोचने का नजरिया सिखा रहे हैं। सीखो आप कैसे सोचना है, कैसे विचार करना है, कैसे चिंतन करनी है, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, हमारा देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, कैसे देखना है, परिस्थितियों को देखने का नजरिया, घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण। एक ही घटना में आपको अनुकूलता, एक ही व्यक्ति में बुराइयां भी है और अच्छाइयां भी है, आप किसे देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बुराई देखने वाली दृष्टि बुरी है। ध्यान देना, दुनिया में कोई बुरा नहीं होता। जगत में वाक्य आपने कई बार सुने होंगे, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, पापी को गले लगा करके आप उसे सुधार सकते हो, पाप से घृणा करो। ये पापी से घृणा करते हैं, पापी से मत करो घृणा। ओसामा बिन लादेन भी गले लगाने जैसा है, क्या बात कर रहे हो आप। भगवान बन सकता है, भगवान परमात्मा बन सकता है वो व्यक्ति, मर गया के अरब तो ऐसा सुना जाता है। पापी से पापी व्यक्तियों की बात कह रहा हूं मैं, वे भगवान बन सकते हैं। मत ठुकराओ, गले लगाओ। बोलो विद्यानंद जी साहब का आचार्य का वाक्य है ना, मत ठुकराओ गले लगाओ, धर्म सिखाओ। बड़ा जबरदस्त वाक्य था, ठुकराना नहीं है हमारे को, गले लगाना है हमारे को।
हर जीव परमात्मा है, हर जीव में आत्मा है, हर जीव भगवान बन सकता है, हमसे पहले भगवान बन सकता है। आप कल्पना कीजिए मारीची के समय में यदि हम पहुंच जाते ऋषभ देव के काल में, उसे देख करके कितनी गालियां दे रहे होते, कितने अपशब्द कह रहे होते, कोई बात नहीं। याद करो गुरुदेव के दृष्टिकोण को जो गुरुदेव ने सिखाया है हमारे को, भूले हुए भगवान हैं, भूले हुए भगवान हैं। मत देखो कमियां, काले झंडे दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान है, भगवान बन सकते हैं, वो आपसे पहले भगवान बन सकते हैं, वो सुधर सकते हैं, उनका जीवन सुधर सकता है। आप यहीं संसार में रुलते रहें और वो आपसे पहले भगवान बन जाएं। एक कहानी याद आ रही है मेरे को, समय हो गया है मेरा, 1:16-17 बढ़ रहे हैं, 17-18-20 आगे हो गए हैं, कोई बात नहीं, 2 तो लूंगा भाई साहब, इतना तो अधिकार बनता है मेरा। शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ स्वामी, 10 पहले की घटना सुना रहा हूं, शांतिनाथ पुराण की घटना सुना रहा हूं मैं। जवान बेटा और घर में काम करने वाली नौकरानी, सर्वेंट, दासी उलझ गया उसके चक्कर में, उसके प्रेम में, उसके मोह में, और प्रेम और मोह में उलझ गया, कहता है इसी से शादी करूंगा। माता पिता ये कहते हैं नहीं बेटा नहीं, देखो पिताजी भगवान बनेंगे, 10 बाद में तीर्थंकर बनने वाले हैं शांतिनाथ भगवान, अभी 10 बाकी हैं उनके, जन्म जन्मांतर बाकी हैं, अभी 10 तक भटकेंगे अभी वे। और बेटे की बातें सुनकर के बर्दाश्त नहीं, बहुत समझाया, बहुत समझाया, नहीं समझा बेटा। जब बेटा नहीं समझा तो अंतिम उपाय क्या था, रात को सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या कर ली, जहर खा करके मर गए। पता है क्या हुआ, सुबह जब बच्चा उठा और उसने देखा, और देखा तो क्या हुआ होगा, अब तो मजे आ गए ना, माँ बाप मर गए, अब कौन है रोकने वाला टोकने वाला, नहीं, परिणाम बदल गए। और कैसे परिणाम बदले अशोक जी भाई साहब, ऐसे परिणाम बदले कि उसी समय उसने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के हमारे इतिहास और हमारे पुराण ये कहते हैं वो दीक्षा लेकर के मुनि बनकर के भगवान बन गया। देखो तो सही, आप उसी भाव में भगवान बन गया, ये उपदेश देने वाले और शिक्षा देने वाले ये 10 बाद में भगवान बनेंगे, और ये आज भगवान बन गया। कौन व्यक्ति कब सुधर जाए, किसका जीवन कब बदल जाए, किसका चिंतन कब बदल जाए, हर व्यक्ति भगवान है, ये देखने का नजरिया बदलिए आप, सब कुछ बदल जाएगा। आखिर इन कर्मों को कैसे जीतें और इन कर्मों को कैसे कंट्रोल करें, इसके संदर्भ में हम चर्चा कल और परसों 2 आपके बीच में करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। और धन्यवाद सर, कई सब के तीन के गौरवाजी।
आप तो बराबर सांस से बात ले रहे हैं।